हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिकेट बैटिंग टिप्स। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कैरेबियन प्रीमियर लीग के पांचवें मुकाबले के बारे में, जो कि ट्रिबागो नाइट राइडर्स वर्सेस सेंट लूसिया जूक्स के बीच में खेला जाएगा। तो दोस्तों, इस मैच से रिलेटेड मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्लियर करूँगा, पंटर पॉइंट्स बताऊँगा जो कि आपको काफ़ी मदद करेगी बैटिंग को करने में और समझने में, और टीम न्यूज़ भी बताऊँगा कौन से प्लेयर खेल सकते हैं कौन से प्लेयर नहीं खेल सकते हैं। तो सारे पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। उससे पहले मैं बता देता हूँ, मेरा इकलौता व्हाट्सएप कॉलिंग नंबर है 7428525767। दोस्तों, अगर आप बेटिंग करते हो, आपको सेशन खेलना नहीं आता, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। बाकी टेलीग्राम का लिंक मेरा आपको मिल जाएगा, वीडियो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके काम चेक कर सकते हो। बाकी चलते हैं, बात करेंगे ये मैच के बारे में। तो मैच खेला जाएगा संडे 8 सितंबर को, टाइम होगा 9:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से, और वेन्यू होगा क्वींस पार्क ओवल ट्रिनिडैड। तो मैं बता देता हूँ, ये जो टाइमिंग है काफ़ी अच्छा टाइम होने जा रहा है जहाँ पे मैच होगा जिस टाइम पे। नहीं तो ऐसे मैचेस 2:30 बजे सुबह, 3:30 बजे, 5:30 बजे भी सुबह होते हैं। तो ये मैच काफ़ी ज़बरदस्त और अच्छे टाइम पे हो रहा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। पिच बोर्ड में बात करेंगे तो पिच में काफ़ी ज़्यादा टर्न देखने को मिलेगा आपको, और पिच जो है काफ़ी ज़्यादा स्लो भी हो जाएगी और ड्राई आउट भी होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो भी टीम फर्स्ट बैट करेगी उसको काइंड ऑफ एडवांटेज रहेगा। आपने देखा है, दो मैच यहाँ पे हुए, दोनों के दोनों मैच फर्स्ट बैट करते हुए टीम यहाँ पर जीती है, क्योंकि जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस होता है वैसे वैसे बैटिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बैट्समैन के लिए, क्योंकि बॉल रुक के आती है। तो ध्यान रखना है इस पॉइंट को। वेदर रिपोर्ट में बात करें तो 26 डिग्री का टेम्परेचर देखने को मिलेगा, ह्यूमिडिटी लेवल 76% की, और चांसेस ऑफ रेन निगेटिव है। टीम न्यूज़ का बात करेंगे ट्रिबागो नाइट राइडर्स की तरफ से, तो अली खान एक लौते रिप्लेसमेंट थे लास्ट मैच में जमैका तलावाज से, जो मैच खेली है टीकेआर और जीती है, उसमें सिर्फ अली खान को लाया गया था रिप्लेस करके एंडरसन फिलिप की जगह, और अली खान ने क्वाइट ठीक ठाक ही बॉलिंग किया, 45 रन दिया था एक विकेट लेके 4 ओवर में। एंडरसन फिलिप का बात करेंगे तो इनको फर्स्ट मैच जो खेली थी सैंड किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स से टीकेआर, उसमें इनको बॉलिंग का भी मौका नहीं दिया गया था। तो अली खान ही खिलाए जा सकते हैं नेक्स्ट मैच में भी, तो इनको आप पिक कर सकते हो अपने बॉलिंग डिपार्टमेंट में। बाकी अगर बात करें कोलिन मुनरो, तो कोलिन मुनरो जो कि टीकेआर पिछले साल ट्रिबागो नाइट राइडर्स और सीपीएल में सबसे ज़्यादा रन मारने वाले प्लेयर थे, तो ये बैक कर सकते हैं लंडन सिमंस की जगह, क्योंकि न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका की जो सीरीज थी वो खत्म हो गई है। टीम न्यूज में बात करेंगे सेंट लूसिया जूक्स की तरफ से, तो मलिंगा और निरोसन दिक्वेला दोनों ही स्क्वाड में वापस ज्वाइन कर चुके हैं, और चांसेस है कि खेल सकते हैं सेंट लूसिया जूक्स की तरफ से, क्योंकि सेम न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका का जो टूर था, न्यूजीलैंड टूर ऑफ श्रीलंका, वो खत्म हो चुका है। पंडर पॉइंट से बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप बेटिंग करते हो तो ध्यान से सुनना, काफ़ी हेल्प कर सकता है आपको, अच्छे अच्छे पॉइंट क्लियर हो सकते हैं यहाँ पे। हेड टू हेड में इन दोनों के बीच में 12 मैचेस खेले गए हैं, जहाँ पे टीकेआर 9 बार जीती है और SLZ मतलब सेंट लूसिया जूक्स 2 बार जीती है, 1 मैच नो रिजल्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिबागो नाइट राइडर्स का काफ़ी ज़्यादा दबदबा देखने को मिल रहा है। वही क्वींस पार्क ओवल जहाँ पे मैच खेला जाने वाला है इन दोनों के बीच में, सेंट लूसिया जूक्स यहाँ पे 5 बार खेली है, 2 बार जीती है और 3 बार हारी है, तो 40-60% का रेशियो है, 60% लॉस है। तो कुछ खास प्रदर्शन नहीं है सेंट लूसिया जूक्स का क्वींस पार्क ओवल में। वही क्वींस पार्क ओवल में ही बात करेंगे टीकेआर का, मतलब ट्रिबागो नाइट राइडर का कैसा परफॉर्मेंस है क्वींस पार्क ओवल में, तो 29 मैच खेली है यहाँ पे, 20 बार जीती है, 9 मैच लॉस है, तो काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है इस ग्राउंड पे। यहाँ पे आपको टीकेआर का काफ़ी ज़्यादा पलड़ा भारी दिखने को मिल रहा है SLZ से। वही विनिंग परसेंटेज का बात कर लेते हैं सेंट लूसिया जूक्स का, तो CPL में टोटल 56 मैचेस खेली है सेंट लूसिया जूक्स और 17 बार जीती है, 37 लॉस है, 2 मैच नो रिजल्ट्स है। विनिंग परसेंट का बात करेंगे तो 31.48 का विनिंग परसेंटेज, इस टीम का सबसे घटिया विनिंग परसेंटेज है पूरे CPL में, जितनी टीम कम्पीट कर रही है उसमें सबसे घटिया विनिंग परसेंटेज इसी टीम का है। वही अगर बात करें ट्रिबागो नाइट राइडर का, तो ये इकलौती ऐसी टीम है जिसका सबसे ज़बरदस्त सबसे अच्छा विनिंग परसेंटेज है, और 63.20 का है। 60 से ऊपर किसी भी टीम का अगर विनिंग परसेंटेज रहता है तो उस टीम का काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ओवरऑल देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये होता है। तो 71 मैच खेली है टीकेआर CPL में, 44 बार जीती है, 25 लॉस है, 1 टाई है, 1 नो रिजल्ट रहा है। रिसेंट फॉर्म का बात करेंगे दोनों ही टीम का, लास्ट 5 मैचेज में क्या परफॉर्मेंस रहा है, तो सेंट लूसिया जूक्स पिछला मैच हारी है गुयाना अमेजन वाडियर से, उससे पहले विन है, नो रिजल्ट से लॉस है, विन है। और टीकेआर 2 मैच तो इसी CPL 2019 में लगातार बैक टू बैक जीत के आ रही है, SNP मतलब सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स को भी हराई और जमैका तलावाज को भी हराई, उससे पहले भी 2 मैच विन है और 1 मैच सिर्फ लास्ट है, तो लास्ट 5 में से सिर्फ 1 मैच हारी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पलड़ा भारी यहाँ पे टीकेआर का देखने को मिल रहा है। भाई वेन्यू स्टैट्स में बात कर लेते हैं क्वींस पार्क ओवल का, तो 33 मैच हुआ है यहाँ पे, 17 बार फर्स्ट बैट जीती है, 16 बार सेकंड बैट, 1 मैच टाई, 1 मैच नो रिजल्ट है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ लास्ट 2 मैचेस जो यहाँ पे हुए हैं 2019 CPL में, दोनों के दोनों मैच फर्स्ट बैट जीती है,
ध्यान रखना इन सब पॉइंट्स को बेटिंग करने में। होप करता हूँ आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा किस टीम का पलड़ा किस टीम पे भारी है। बाकी जो रिपोर्ट है वो ऊपर से आती है, मैच फिक्सिंग का रिपोर्ट है, सीपीएल है, काफ़ी ज़्यादा मैच फिक्स होते हैं, ऑलमोस्ट फुल फिक्सिंग ही होता है इसमें, तो रिपोर्ट ऊपर से आएंगे। जिसको भी रिपोर्ट चाहिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7428525767 पे। बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 का, तो लंडन सिमंस की जगह कोलिन मुंडो खेल सकते हैं क्योंकि लंडन सिमंस का कुछ खास प्रदर्शन नहीं है, दो मैच में कुछ ज़्यादा रन मारा नहीं, पिछले मैच में सिर्फ 11 रन मारा था इन्होंने, एक छक्का एक चौका और सिंगल के बाद आउट हो गए थे। बाकी टैन वेस्टर का बात करेंगे तो ये खेलेंगे सुनील नारायण, जेम्स निशन, दिनेश रामदीन, कैरन पोलर, सिकुजी प्रसन्ना, खैरी पैरी, मोहम्मद हसनैन अली खान और जेवन सेवल्स। वही अगर सेंट लूसिया जूक्स का बात करेंगे तो आंद्रे फ्लेचर, रहीम कॉर्नवॉल, आंद्रे मकार्ती, नजीबुल्ला जदरान की जगह हो सकता है, निरोशन डिकवेला खेलें क्योंकि ये ऐसे प्लेयर हैं, श्रीलंका अभी जो खेल रही थी न्यूजीलैंड से उसमें इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, ऑलमोस्ट तीनों मैचेस में इन्होंने स्कोर किया है। क्रिस्टोफर बनवेल खेल सकते हैं, तिसारा पेरेरा, डैरन सैमी, केस्ट्रिक विलियम्स, ओबेड मैकवाय, पिछले मैच में 4 विकेट लिया इन्होंने तो इनको जरूर पिक करना है। क्रिसमार सैंटोकी की जगह मलिंगा खेलते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्या परफॉर्मेंस किया है थर्ड T20 में, सभी ने देखा है, 4 बॉल में 4 विकेट लेके मैच जिताया था न्यूजीलैंड के खिलाफ। फवाद अहमद पिछले मैच में 2 विकेट लिया इन्होंने तो इनको भी पिक करना है। की प्लेयर्स का बात कर लेते हैं TKR की तरफ से, तो टैन वेस्टर पिछले मैच में 66 रन मारा इन्होंने 134.69 के स्ट्राइक रेट से तो इनको जरूर पिक करना है। भाई नारायण पिछले मैच में काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, काफ़ी फास्ट बैटिंग किया इन्होंने और 46 रन मारा सिर्फ 42 गेंद में और 2 विकेट भी निकाला था, तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बहुत ही अच्छे उम्मीदवार रहेंगे आपके लिए ड्रीम 11 फैंटेसी लीग पॉइंट ऑफ व्यू से सुनील नारायण। कैरन पोलार्ड का बात करेंगे तो ऑलमोस्ट हर मैच में परफॉर्म कर रहे हैं ये, CPL में 2 मैचेस हुए, लास्ट मैच में 33 रन मारा, उससे पहले 47 रन मारा, उससे पहले कनाडा ग्लोबल T20 में खेल रहे थे उसमें भी ऑलमोस्ट हर मैचेस में परफॉर्म किया इनको, तो जरूर पिक करना ही करना है, कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों में ट्राई कर सकते हो। जेम्स निशन का बात करेंगे तो इनका भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, 5 विकेट ले रखा है इन्होंने 2 मैचेस में और स्कोर भी किया है रन, फर्स्ट मैच में भी 30 से ऊपर रन मारा था इन्होंने। की प्लेयर्स का बात करेंगे सेंट लूसिया जूक्स की तरफ से तो फैट बॉय यानी रहीम कॉर्नवॉल का काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा था, 36 रन मारा था सिर्फ 14 गेंदों में और 257.414 की इकोनॉमी से, तो इनको आप वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, 2 ओवर ही फेंका था और काफ़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग किया था, सिर्फ 12 रन दिया था, विकेट नहीं मिला था। लेकिन ओवेन मैकवाय ने 4 विकेट लिया था पिछले मैच में, फवाद अहमद ने भी 2 विकेट लिया था 25 रन देके, तो इनको भी आप पिक कर सकते हो। फ्लेचर 1694 इनका टोटल रन है CPL हिस्ट्री में, मतलब काफ़ी अच्छे बैट्समैन है, लेकिन लास्ट मैच में इनका कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, सिर्फ 8 रन मारा था, लेकिन इनको आप ट्राई कर सकते हो वाइस कैप्टन में। चलिए जो फैंटेसी लीग के लिए मैंने आपके लिए ड्रीम डिजाइन की मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये देख सकते हैं विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में मैं 2 प्लेयर को ले रहा हूँ, फ्लेचर और रामदीन 2 मैच खेले और दोनों में इन्होंने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है, तो दोनों ही अच्छे ऑप्शन है आपके पास। बाकी बैटिंग डिमांड बात करेंगे तो कैरन पोलार्ड, डैरन सैमी और टैन वेस्टर के साथ जा रहा हूँ, यहाँ पे अगर मुनरो खेलते तो मुनरो को जरूर पिक करें। बाकी अगर बात करेंगे ऑलराउंड डिपार्टमेंट तो नारायण, जेम्स निशा और रकीम कॉर्नवॉल को पिक कर रहा हूँ, ऑप्शन यहाँ पे तिसारा पेरेरा के हैं, आप इनके साथ जा सकते हो, सिकुजी प्रसन्ना के भी हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट बात करेंगे फवाद अहमद, ओबेड मैकवाय और खैरी पेरिया के साथ जा रहा हूँ, आप यहाँ पे केसरी विलियम्स को पिक कर सकते हो, हसनैन को भी पिक कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बात कर लेते हैं तो नारायण को मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन, फ्लेचर को बना रहा हूँ, यहाँ पे कैरन पोलार्ड को भी वाइस कैप्टन आप ट्राई कर सकते हो, वेस्टर को भी कैप्टन ट्राई कर सकते हो क्योंकि पिछले मैच में 66 रन मारा है, तो एक अच्छे ऑप्शन है ये सब। रैकिंग कॉर्नवॉल को भी आप यहाँ पे वाइस कैप्टन में ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप प्रीव्यू ले सकते हो, ये रही मेरी ड्रीम 11 टीम। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो ज़रूर लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और अगर दोस्तों आपको रिपोर्ट चाहिए तो कॉन्टैक्ट करना 7428525767 पे। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों मेरा आपको नीचे मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए नीचे ज्वाइन करिए टेलीग्राम।